आप लोगों को कैसे मतलब चिमनी का जो है वो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका जो चिमनी है कितना डिस्टेंस में लगाएंगे वो आप लोग देखिए, आपका जो मैनुअल बुक होता है, देखिए जैसे कि कुचिना का चिमनी है, ठीक है, कुचिना चिमनी का मैनुअल बुक है, उसमें ही लिखा रहता है कि आपका चिमनी से ओवन मतलब जो चिमनी से गैस ओवन का डिस्टेंस कितना होना होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा है, 650 से 700 mm, 650 से 700 mm, मतलब आप अगर इंची में करेंगे तो करीबन वो 28 इंच ही हो रहा है, ठीक है, तो यही है, ठीक है। तो इसमें दिया रहता है, ये कुचिना का जो कि है नॉर्मल चिमनी है, जो नॉर्मल चिमनी है उसके लिए, और एक आपका इंक्लाइन चिमनी के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 300 से 350 तक आप कर सकते हैं, नहीं तो 400 भी आप कर सकते हैं, देखिए किस तरह। हेलो गाइस, तो आज आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो एकदम मिस मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये आप लोग अगर चिमनी लेने जा रहे हैं फिर या फिर सोचे होंगे, तो फिर आप चिमनी जब लगाने जाएंगे तो आपका दिमाग में आएगा ही आएगा कि चिमनी आपका जो गैस ओवन है, गैस हॉब है, गैस कुकटॉप है या फिर इंडक्शन है, जो भी चीज़ आपने लगाया है यूज़ करने के लिए, उससे ये जो चिमनी देख रहे हैं इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का दिमाग में हमेशा ही रहता है, तो चलिए इसका ही जो सलूशन है आप लोगों को हम अभी इसी वीडियो में बता देते हैं। तो इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को अगर आगे भी देखना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आगे भी इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। तो मेरा नाम है गिरिराज, मेरा नाम क्या है, गिरिराज, आप लोगों को शायद अभी तक ये नाम पता नहीं होगा क्योंकि मैंने ये नाम कभी इस चैनल में बोला ही नहीं। तो मेरा नाम है गिरिराज, ठीक है। तो आप लोग अगर सर्च करेंगे कहीं पर तो मेरा फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है, सब कुछ है मेरा। तो आप लोग कहीं अगर मुझसे बात करना चाहते हैं अलग से तो आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी मुझे फॉलो करके वहाँ से मुझसे डायरेक्ट आप लोग बात कर सकते हैं। देखिए ये जो चिमनी है, ये इस टाइप का जितना भी चिमनी है, ठीक है, इस टाइप का जितना भी चिमनी है, हुड चिमनी, जिसमें आप लोगों को इस तरह से लगाया जाता है, ठीक है, दीवार में इस तरह से लगाया रहता है, तो इसका डिस्टेंस हब से कुकटॉप से आप लोग डिस्टेंस हर टाइम जो नापेंगे वो यहाँ से नापेंगे, ठीक है। इसका डिस्टेंस एक्चुअली नापने का ये जो बर्नर होता है, बर्नर के टॉप से चिमनी का डिस्टेंस होता है मिनिमम 28 इंचेस, कितना 28 इंचेस, और मैक्सिमम आप 32 तक कर सकते हैं, कितना 32, तो 28 इंचेस आपका है। इस ये सारा जितना भी मॉडल है इस तरह का जितना भी मॉडल लगा हुआ होगा वो सभी मॉडल में आपको हब हो, चाहे कुकटॉप हो, गैस ओवन हो, इंडक्शन का जहाँ से होगा उस टॉप से बर्नर अगर होगा तो बर्नर का टॉप से आपको पकड़ना होगा 28 इंचेस, यहाँ से बर्नर का टॉप का यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा 28 इंचेस। तो ये हो गया इस टाइप का चिमनी के लिए। और एक टाइप का चिमनी है, ये तो हो गया आपका कुचिना, जैसे कि कुचिना चिमनी, आप लोग अगर कुचिना का जैसे कि इंक्लाइंड चिमनी लेते हैं, इंक्लाइंड जैसे कि ब्लैक स्टार हो गया है, क्रेस्टा DLX हो गया है, इस टाइप का अगर कोई भी इंक्लाइंड चिमनी, अगर किसी भी कंपनी का इंक्लाइंड चिमनी लेंगे तो उसका अलग होगा, उसका नाप अलग होगा, क्योंकि वो इंक्लाइन में लगा हुआ था, उसका भी दिखा देते हैं वो कैसा दिखता है। ये देखिए, ये हो गया आपका इंक्लाइन चिमनी, इस तरह से आपका घर में लगा हुआ होगा, देखिए कैसे लगा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से होगा, ऐसे झुका हुआ होगा, सामने में ऐसे झुका हुआ होगा, ठीक है, जैसे ये लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस हब से, जो हब गैस ओवन जो भी है इसमें से, इसका जो टॉप होता है बर्नर, सेम इसका भी बर्नर से इसका डिस्टेंस होता है, यहाँ नीचे का डिस्टेंस आता है, देखिए इसका जो मैनुअल बुक आता है, मैनुअल बुक में इसका डिस्टेंस लिखा हुआ रहता है, देखिए इसमें मैनुअल बुक में लिखा हुआ है 300 से 350, कितना 300 से 350, मतलब ये इसका बर्नर से इसमें इसका डिस्टेंस आ गया 300 से 350, ठीक है।
350 है वो किस में आएगा, एमएम में। देखिए यहाँ पर लिखा है 300 से 350 एमएम में होगा। ये बर्नर से इसका डिस्टेंस ये नॉर्मली लिखा रहता है मैनुअल बुक में, लेकिन आपको हमेशा एक चीज़ देखना है। मान लीजिए आप जो खाना बनाएंगे, आपका घर में जो भी आप लोग खाना बनाएंगे, जो भी बर्तन आप चढ़ाएंगे, ये जो बर्तन आप देखिए यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है और कितना बड़ा चढ़ाएंगे, कुछ जो इतना बड़ा तो देखना होगा, इससे एकदम नीचे ना हो। ये जो 300 से 300 मतलब 350 जो है ये 350 mm से नीचे ना हो। अगर नीचे आप लोग ज़्यादा, ये जो इंक्लाइन चिमनी है ये अगर ज़्यादा नीचे कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पर लगा दिया, तो आप लोग कुछ अगर बड़ा वाला बर्तन जब लगाएंगे तो फिर वहाँ पर आपका लगेगा चिमनी के, चिमनी में लगेगा, तो फिर एक दिक्कत है। तो आपको ध्यान में रखना है आप कितना बड़ा कढ़ाई या फिर इतना बड़ा बर्तन उसमें ओवन में चढ़ाने वाले हैं, उस हिसाब से 350 आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे भी बड़ा, आप लोग देख लीजिए अगर एक फीट का होगा 350 mm से भी ज़्यादा बड़ा अगर हाड़ी या फिर कोई भी बर्तन अगर आप जो ओवन है उसका पर अगर चढ़ा रहे हैं तो देख लीजिएगा उसका जो साइज चिमनी में लग रहा कि नहीं। और आप लोग अगर किचन चिमनी अगर ये सारा जितना भी मॉडल है इंक्लाइन चिमनी जो भी मॉडल है इसे अगर थोड़ा नीचे कर देंगे तो उसमें दिक्कत क्या आएगा, मान लीजिए आप कुछ खाना यहाँ पर बना रहे हैं, कुछ भी खाना बना रहे हैं और उसमें थोड़ा कुछ तेल वगैरह ऑयल वगैरह आप खाना बनाते वक्त गिर गया, बाय चांस अगर आग में गिर गया तो क्या उस टाइम ज़्यादा आग पकड़ लेगा, ज़्यादा ऊपर उठेगा, तो उस टाइम क्या होता है जो पूरा आग डायरेक्ट चिमनी में लगेगा। चिमनी में लगने के लिए क्या होगा, ये पूरा ब्लास्ट हो जाता है, क्या होता है ये पूरा ब्लास्ट हो जाता है, जो कांच पूरा ब्लास्ट हो जाता है। इसीलिए मैंने एक इस चैनल में वीडियो दिया था कुछ दिन पहले चिमनी ब्लास्ट बोल के, तो इसीलिए हुआ था क्योंकि उसमें ज़्यादा ज़्यादा आग पूरा पकड़ लिया था और डायरेक्ट चिमनी में लग गया था। और एक चीज़ से भी होता है जो कि मान लीजिए आप खाना जो बना रहे हैं, जो खाना आप बना रहे हैं इतना सामने आपका बर्तन, मतलब मान लीजिए यहाँ तक उसका बर्तन का यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, मात्र उसमें 4 इंच का गैप है, आपका बर्तन यहाँ तक आ रहा, तो उसका जो भाप आएगा, उसका भाप जो होगा वो क्या लगेगा, डायरेक्ट यहाँ पर लगेगा, तो इतना गर्मी वाला जो भाप होता है वो जगह में जब लगता है इतना कम जगह से, मतलब इतना छोटा डिस्टेंस से, तो क्या होता है पूरा हीट इसमें लगता है, आग नहीं है लेकिन वो आग बराबर काम करता है, जिसके वजह से क्या होता है जिस जगह में भी लगेगा वो तुरंत क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। इसीलिए और एक कारण से भी चिमनी ब्लास्ट हो जाता है, तो इस कारण से क्या होता है इंक्लाइन चिमनी में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप 350 mm से आप उसे थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, 400 mm भी कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 400 mm तक आप लोग इसे कर सकते हैं। 350 देखिए, 350 में कितना है, देखिए ये देखिए नीचे से देखिए, देखिए ये कढ़ाई है, छोटा सा कढ़ाई है, लेकिन ये अगर देखेंगे तो करीबन आपका 7 से 8 इंच का गैप है, तो 8 इंच वाला आप नॉर्मली इसी इतना सा ही कढ़ाई चढ़ाएंगे, उससे बड़ा नहीं। अगर आप बिरयानी वगैरह बना रहे हैं तो फिर ज़्यादा आप करेंगे, तो उस टाइम आप फ्रंट वाला जो है, सामने वाला जो है उसमें आप लगाने के लिए कोशिश करेंगे। अगर दो बार ना रहे तो फिर आपका तो होगा ही दोनों सेम, तो फिर आप उसे 400 mm का हाइट में लगाने के लिए सोचेंगे या फिर लगाने के लिए बोलेंगे, तभी जाकर आपका अच्छा रहेगा डिस्टेंस, ठीक है, चिमनी से ओवन का जो डिस्टेंस है। इंक्लाइन चिमनी के लिए 400 mm तक आप कर दीजिएगा, ठीक है, मतलब जितना बड़ा आपका घर में बर्तन है जो चढ़ाने, मतलब रेगुलरली आप खाना बनाते हैं उस हिसाब से आप चिमनी को सेट कीजिएगा 400 mm। अगर ज़्यादा कर देंगे आप लोग पूछेंगे तो नहीं उससे भी हम ऊपर उठा देंगे, तो क्या होगा उससे ऊपर अगर उठा देंगे तो एक इसका जो खींचने का क्षमता है, अगर आप ज़्यादा डिस्टेंस में लगा देंगे तो क्या होगा जो गैस खींचने का, जो धुआं वगैरह खींचने का उसका जो क्षमता है वो उसका तो बहुत नहीं होता है ना, जो कि आपका कहीं से भी खींच लेगा, तो एक मार्जिनेबल जो है वो 400 mm तक आप कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो
और जो इस प्रकार का चिमनी होता है उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि 28 इंच मतलब आपका बहुत है, 2 फीट के ऊपर में है तो वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कोई दिक्कत आता ही नहीं है। आप उसे अगर मान लीजिए आपका सक्शन कम कर रहे हैं, आप मान लीजिए 1000 का या फिर आप 800 का सक्शन वाला कोई चिमनी लिए हैं कहीं से, ठीक है, तो फिर आपका अगर सक्शन प्रॉपर नहीं कर रहा है तो फिर आप या तो उसे सर्विस करवाइए, नहीं तो आप चिमनी को जो 28 इंच है आप उसे 24 में भी लगा सकते हैं, 24 में भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आप कैसा यूज़ करेंगे उसके ऊपर है। नॉर्मल है 28 इंच मैक्सिमम, ज़्यादा हाइट में अगर आप 90 सेंटीमीटर का कोई चिमनी लें जिसमें 1500-1600 सक्शन है, आप उसे आप अगर उसे मतलब 32 इंच या फिर 30 इंच में भी लगाएंगे तो आपका सक्शन जो है प्रॉपर करेगा, क्योंकि उसका सक्शन पावर ज़्यादा, खींचने का क्षमता ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत परेशान कर रहा था, मतलब कितना डिस्टेंस में लगाएंगे, ज़्यादा सोच में रहे थे आप लोग, बहुत वीडियो ढूंढ रहे थे। मेरा ऑलरेडी 2 वीडियो दिया हुआ है इसी चैनल में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया प्रॉपर, उसमें सबको जो मैंने अभी आपको पूरा बोल के बताए एक एक चीज़ सब कुछ उसमें लिखा गया है, तो उस हिसाब से भी आप उसे देखेंगे, नहीं तो ये वाला वीडियो को आप लोग अगर देख लिए हैं तो आपका दिमाग में आ गया होगा कि कितना डिस्टेंस में चिमनी लगाना चाहिए। किचन चिमनी से हब का मतलब गैस कुकटॉप का, गैस ओवन का, इंडक्शन का कितना डिस्टेंस होना चाहिए। आप लोगों को कैसे मतलब चिमनी का जो है वो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका जो चिमनी है कितना डिस्टेंस में लगाएंगे, वो आप लोग देखिए आपका जो मैनुअल बुक होता है, देखिए जैसे कि कुचिना का चिमनी है, ठीक है, कुचिना चिमनी का मैनुअल बुक है, उसमें ही लिखा रहता है कि आपका चिमनी से ओवन मतलब जो चिमनी से गैस ओवन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा है, 650 से 700 mm, 650 से 700 mm, मतलब आप अगर इंच में करेंगे तो करीबन 28 इंच ही हो रहा है, ठीक है, तो यही है, ठीक है, तो इसमें दिया रहता है ये कुचिना का जो कि है नॉर्मल चिमनी है, जो नॉर्मल जो चिमनी है उसके लिए, और एक आपका इंक्लाइन चिमनी के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 300 से 350 तक आप कर सकते हैं, नहीं तो 400 भी आप कर सकते हैं। देखिए किस तरह से लगाएंगे पूरा, देखिए यहाँ पर सब कुछ दिखा, आपका जो मैनुअल बुक होता है, जो चिमनी आप लिए हैं उसका जो मैनुअल बुक होता है कितना डिस्टेंस पर लगाना चाहिए वहाँ पर लिखा रहता है नॉर्मली, ठीक है। और एक फेवर का, जैसे एक फेवर का कैटलॉग है, एक फेवर का मैनुअल बुक है फेवर चिमनी का, तो इसमें आपको देखिए इसमें भी सेम आपका लिखा है, देखिए 70 से 75 सेंटीमीटर जो कि आपका 28 इंच हो रहा है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए आदमी, तो जो जो चीज़ मैंने बताया ये एक रीजनेबल जो मैंने बताया उसी हिसाब से आप चिमनी को लगाएंगे तो फिर आपका चिमनी सेफ रहेगा, सक्शन प्रॉपर करेगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा, इसी प्रकार का वीडियो आगे भी चाहिए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल नोटिफिकेशन उसको दबा दीजिए, क्योंकि आगे भी इसी भी प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, गुड नाइट, गुड बाय।